पाकिस्तान के कौमी मसले यानी जो आपका पेट निकला हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आपके अंदर बीमारियां पल रही हैं, बात खत्म, फुल स्टॉप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारचावला, राइट एट योर सर्विस। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम पाकिस्तान के कौमी मसले यानी जो आपका पेट निकला हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौमी मसला इसलिए क्योंकि हर एक का ही पेट निकला होता है, और जिसका पेट नहीं निकला होता है, जो कि एक्चुअली हेल्दी होता है, सेहतमंद होता है, उसको आप लोग टॉन्ट करते हैं। और जो कमर और पेट से चर्बी के पल्ले निकल रहे होते हैं अपनी लापरवाही की वजह से, उसको बड़ा अच्छा समझा जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। पेट निकलना सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूं एबनॉर्मल बात है। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आपके अंदर बीमारियां पल रही हैं, बात खत्म, फुल स्टॉप, ठीक है। अगर आप नीचे देखते हैं आपको अपने पैर नजर नहीं आते, पेट नजर नहीं आते, तो आप शदीद बीमार हैं। और अब मैं टाइप्स ऑफ बेली और कौन से मोटापे का मतलब क्या है उसके बारे में बात करने लगी हूं। सबसे पहले जिस मोटापे के बारे में मैं बात करने लगी हूं वो इतना खतरनाक नहीं है, दैट इज हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से जो होता है, यानी ऊपर से पेट फ्लैट है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है यूं करके निकला हुआ है, ठीक है। अब मर्दों और औरतों दोनों में इसका मतलब हार्मोनल इंबैलेंस है, और मर्दों और औरतों दोनों में इसका मतलब एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है। एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है वो मर्दों में भी होता है और औरतों में भी होता है, और मेल हार्मोन भी मर्दों और औरतों में होता है। एक स्टेप होता है जिसमें मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन में तब्दील होता है, जिस समय दोनों मर्द और औरत के टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन में, जिसका एक एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन को करता है, उसको एरोमाटेज कहते हैं। अगर वो एंजाइम बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये कन्वर्जन ज़रूरत से ज़्यादा शुरू हो जाती है, और अब टेस्टोस्टेरोन ज़रूरत से ज़्यादा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। मर्दों में भी ये नीचे वाला पेट ऐसे करके निकलेगा और औरतों में भी ऐसे करके निकलेगा। तो ये क्योंकि फॉल्स एस्ट्रोजन्स होते हैं, टॉक्सिक एस्ट्रोजन्स होते हैं, तो इस एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी से दूर, इसमें आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, क्योंकि इसमें मसला ही आपके पास हार्मोनल एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी का। इसमें आपको जो चीज़ें सब मोटापों का इलाज भी बता रही हूँ, अपनी नींद आप फिक्स करेंगे, रात को जल्दी सोना शुरू करेंगे, सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे, अदर देन दैट अपने पास से सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, सारे सिंथेटिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, सोय प्रोडक्ट्स, फ्रोजन प्रोसेस्ड फूड्स, ये आप निकाल देंगे। इन सब में टॉक्सिक एस्ट्रोजन छुपे होते हैं। चाइनीज नहीं खाएंगे आप, MSG वगैरह नहीं लेंगे, और इस केस में आप जो चीजें लेना शुरू करेंगे वो लेना शुरू करेंगे जिसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं, जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, और आप अपना लिवर डिटॉक्स करना शुरू करेंगे। लिवर डिटॉक्स करने का सिंथेटिक तरीका भी है और ऑर्गेनिक तरीका भी है। सिंथेटिक तरीका ये है कि आप अपनी डाइट में मिल्क थिसल, जो कि एक चाइनीज हर्ब सिलिमेरिन है, 500 मिलीग्राम उसकी डोजेज शुरू कर दें, और ऑर्गेनिक जो कि बेहतरीन तरीका ये है कि आप ग्रीन पाउडर हर्ब्स लेने शुरू कर दें लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, जिसमें करेला आ जाता है, मोरिंगा आ जाता है, आंवला आ जाता है, मोरिंगा सुवांचना को आप कहते हैं, और अदरक भी आ जाती है। ये सारी हर्ब्स जो हैं मेरी भी अवेलेबल हैं, मैं पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। मेरा करेला भी है, मोरिंगा भी है, आंवला भी है, अदरक भी है। आप www.holisticwisdombysaharchawla.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, इस्तेमाल का तरीका डब्बों पर है। अगर आप अपनी डाइट से इन सारी चीज़ों को कट करेंगे, ऑर्गेनिक हर्ब्स करेंगे, और इसके साथ आप रात को जल्दी सोएंगे, और इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने इसकी करनी है, रात को 6 बजे के बाद खाना और अगले दिन सुबह 11 बजे से पहले नहीं खाना, तो 2 से 3 महीने में आप देखेंगे आपका ये पेट चिपकना शुरू हो गया। अब दूसरे वाले मोटापे की तरफ आ जाते हैं, और इस केस में जो आपके पास मोटापा होता है वो सबक्यूटेनियस फैट होता है, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर वाला मोटापा होता है। अगले मोटापे की तरफ हम आपके पास आ जाते हैं, जो है लटका हुआ पेट, ऐसे मोटापा, और ऐसे सैगिंग बैली है। अब ये जो सैगिंग बैली है ये विजरल फैट होता है। विजरा कहते हैं आपके जिस्म के ऑर्गन्स को, यानी आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट है, और ये आपके पास क्या बताता है, ये आपके पास दो चीज़ें आता है, या तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा है, या आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज्यादा है। अब जो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है वो भी वही काम करता है जो काम आपका शुगर करता है, वजह तो डिफरेंट हो सकती है, काम उनका एक है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज़्यादा हो तो क्या होता है, आपके पास इंसुलिन डिसरेगुलेशन हो जाती है बॉडी में, आप इंसुलिन सेंसिटिव नहीं रहते हैं, और उसकी वजह से आप डायबिटिक ना भी करा रहे हो तो बॉडी एक डायबिटिक की बन जाती है, ठीक है। और आपके पास जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा पेट की चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेस हार्मोन आपके पास क्या करता है, कॉर्टिसोल, वो भी इनडायरेक्टली आपके पास इंसुलिन के लेवल्स इंक्रीज़ करता है। जब आपके पास इंसुलिन के लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो आपके पास कॉर्टिसोल क्या करता है कि जितने भी जिस्म एक प्रोसेस स्टार्ट करा देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी उन हर सोर्स से जो कार्बोहाइड्रेट नहीं भी उससे कार्बोहाइड्रेट बनाना शुरू कर देता है। अब आपके जिस्म का फैट भी कार्बोहाइड्रेट बनाने में इस्तेमाल होगा, प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट बनाने में इस्तेमाल होगा, इतना सारा ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा और इतना सारा आपको मोटापा होगा। तो ये
सैकिंग बेली जो है ये आपके पास, इसका यही मतलब है कि लिवर में अब फैट इतना ज़्यादा जमा हो गया कि वो अब लिवर से बाहर जो है आपके विजर और आपके ऑर्गन्स के ऊपर आ रहा है। इस केस में अगेन आपको स्ट्रिक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की ज़रूरत है, आपको वेट लूज़ करने की ज़रूरत है। इस केस में आपको एक्सरसाइज भी हेल्प करेगी, आपको सुबह के टाइम वॉक भी हेल्प करेगी, और इस केस में आपको जो है अपनी डाइट में अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन पाउडर्स जिनका मैंने जिक्र किया उसको लेने की ज़रूरत है, तो आपका फैटी लिवर जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाला मोटापा है, जो सबसे खतरनाक मोटापा है, दैट इज दी प्रोट्रूडिंग बेली, ऐसे जैसे प्रेग्नेंट पेट है, ये वाला मोटापा इतना बड़ा जो अक्सर बड़े बड़े अंकल्स का होता है, और ये मोटापा बड़ा खतरनाक है जो ये प्रोट्रूडिंग बेली वाला है। ये आपके पास इंडिकेट करता है कि आपकी लिवर की साइरोसिस की टेंडेंसी हो रही है, फाइब्रोसिस की टेंडेंसी हो रही है, लिवर के ऊपर स्कार टिश्यू बन रहा है और आप एसआईटी फ्लूइड की तरफ जा रहे हैं, यानी लिवर ने फ्लूइड की उल्टी बाहर ऑर्गन्स पे करना शुरू कर दी है, और वो ये कहीं पे भी कर सकते हैं, पैंक्रियास के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, और ये फ्लूइड कैविटी बनती जा रही है, ये बहुत खतरनाक है। ये केस रिवर्सिबल नहीं होता है अनलेस एंड अंटिल उसको अर्लियर स्टेजेस में आपने पहचाना लिया जाए, तो आप इसको इस स्टेज में पहुँचे ही ना दें। और अनफॉर्चुनेटली मोस्टली आपके पास अल्कोहलिक्स में होता है, जो लोग बहुत अरसा शराब पीते रहे होते हैं, या फिर जिनकी बहुत अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स रहती हैं, कार्बोहाइड्रेट और चीनी वगैरह लेने की, और वॉक और एक्सरसाइज से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इस केस में एक सप्लीमेंट जिसकी मैं बहुत ज़्यादा पैरवी करती हूँ, दैट इज़ वाइटामिन ई, 800 इंटरनेशनल यूनिट वाइटामिन ई हेल्प करता है लिवर के ऊपर ये स्कार और फाइब्रोसिस बनने को, उसको हील करने को, और फौरन चाहिए आगे भी निकल गया उसको मज़ीद ख़राब होने से, फौरन लाइफस्टाइल चेंज के ऊपर आप आ जाएं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इस केस में आपने लिवर के ऊपर लोड भी कम करना होता है डाइजेशन का, आपने पेशेंट की आंतों की हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना होता है, उसको प्रोबायोटिक्स देने होते हैं ताकि उसकी आंतों में गुड बैक्टीरिया बढ़े। जब आंतों में आपके पास गुड बैक्टीरिया बढ़ता है तो वो आपके पास आंतों के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है, सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स क्रिएट करता है, जो कि जिस्म में फैट को हजम करने में हेल्प करते हैं, तो लिवर पे ज़रा लोड कम कर देते हैं अलॉन्ग विद ऑल दीज हर्ब्स। ये भी इस केस में पेशेंट को काम आएंगी, बस इस केस में ज़रा एग्रेसिव थेरेपी की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। ऑल गेन विद यर अदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।